बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मॉन्टेसरी क्लास के लिए सबसे पहले उर्दू की बुक से स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर 14 पे ज़ाल पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, आप सब बच्चे मेरे साथ रीड करें। ज़ाल, ज़ाल की आवाज़ है ज़ा। ज़ाल की आवाज़ क्या है? ज़ा। ज़ा के ऊपर एक नुक्ता, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता। ज़ाल ज़ा, ज़ा ज़खीरा, ज़ा ज़खीरा। ज़ा ज़रात, ज़ा ज़रात। ज़रात ये छोटे छोटे से ज़र्रे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से जो ज़र्रे हैं उनको ज़रात कहते हैं। ज़ा ज़खीरा, ज़ा ज़रात। इसी तरह हम अब नेक्स्ट पेज भी रीड करेंगे। पेज नंबर 15 पे देखें। रे, रे की साउंड, जो रे की आवाज़ है वो है रा। रे रा, मेरे साथ सब बच्चे रीड करें। रे रा, रा रा रेल, रा रेल। रा रॉकेट, रा रॉकेट। रा रबर, रा रेल। रा रॉकेट, रा रबर। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेसन तवज्जो से सुना है और आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। आपको पता है आपके पास पूरा हफ्ता है, पूरे हफ्ते में आपने ज़ालज़ा एंड रे रा पेजेस अच्छी तरह से याद करने हैं। बुक रीडिंग के साथ साथ अब हम वर्कशीट का काम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट पे देखें पेज नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इज़ पेंसिल फेरें और रंग भरें। पेंसिल फेरें और रंग भरें। ठीक है, आप जैसे कि पिछले पेजेस में मैंने आपको ट्रेसिंग का पैटर्न बताया, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इन पेजेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, अपनी पेंसिल को आप स्टार्टिंग पॉइंट से मूव करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह से आपने डॉट टू डॉट मैच करना है, लाइक दिस। होप सो कि आपने ट्रेसिंग अच्छी तरह से सीख ली है और अब आपको मुश्किल नहीं है। यूँ इस तरह आपने डॉट टू डॉट मैच करना है और स्लो स्लो अपनी पेंसिल को मूव करना है। कोशिश करें कि पेंसिल लाइन के ऊपर आप ट्रेस करें, लाइन से नीचे करेंगे तो आपका काम रॉन्ग हो जाएगा। आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि जब बच्चा काम करे तो उसको अपनी निगरानी में काम करवाएं और बच्चे को गाइड करें एंडिंग पॉइंट तक। ये हमने अपनी पेंसिल को मूव किया। ठीक है, हा हे हा, ये हा की आधी शक्ल है। हा हलवा, हा हलवा। आपको पता है हलवा में ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर कर सकते हैं हम। ठीक है, आपने हलवा में कलर भी करना है इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने हलवा में लाइट ब्राउन कलर भी करना है। ठीक है, इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, इस पेज को। पेज नंबर 21 के बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 22 पेंसिल फेरें और रंग भरें। जैसे कि हमने पिछले पेज पे प्रैक्टिस की है हाँ की, इसी तरह हम इस पेज पे भी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव योर पेंसिल डॉट टू डॉट लाइक दिस। आपने अपनी पेंसिल को स्लो स्लो मूव करना है यहाँ तक। यहाँ से आपने अगेन स्टार्ट करना है इस तरह से एंड एंडिंग पॉइंट तक आ गए। सिमिलरली हा, हा हलवाई। आपने हा ट्रेस भी करना है और हलवाई में आपने कलर भी करने हैं। ये देखिए, नीचे यहाँ पे भी हा राइट है, आपने यहाँ पे भी हाँ की प्रैक्टिस करनी है। इस फुल पेज की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हलवाई में आपने कलर भी करना है। कलर करने से आपके पेज में खूबसूरती आएगी। अब हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 23 पेंसिल फेरें और रंग भरें। जैसे कि पिछले पेजेस में हमने ट्रेसिंग की है, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड मूव योर पेंसिल डॉट टू डॉट लाइक दिस। स्लो स्लो आपने अपनी पेंसिल को मूव करना है और इस यहाँ तक स्टॉप। यहाँ से फिर आप अगेन करेंगे
देखें इस तरह से, और आपने लाइन से बिल्कुल नीचे ट्रेस नहीं करना, इस तरह आपका काम रॉन्ग हो जाएगा। ओके लाइक दिस, ठीक है। खा, ये क्या है? खा, खे, खा, खा की आधी शक्ल है। खा के ऊपर एक नुक्ता, आपने यहाँ पे एक नुक्ता भी लगाना है। खा के ऊपर एक नुक्ता। खा खरबूजा, खा खरबूजा, आपको पता है खरबूजा में येलो कलर होता है और आपने खरबूजा में येलो कलर करना है, ठीक है। कलर आपने ज़रूर करने हैं, कलर करने से आपका पेज प्यारा लगेगा। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे देखें, खे, खा, खा की आधी शक्ल है। पेंसिल फेरे और रंग भरें। ये देखें इस डॉट से ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी पेंसिल को मूव करना है और आपने स्लो स्लो अपनी पेंसिल को मूव करना है और आपने इसको कंप्लीट करना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह आपने इसको एंडिंग पॉइंट तक लेके आना है लाइक दिस। ओके, इस तरह कंप्लीट करना। खा के ऊपर आपने एक नुक्ता भी लगाना है। खे, खा, खा खरगोश, खा खरगोश। सिमिलरली देखें, खा है, आपने इस खा को भी ट्रेस करना है। नीचे देखें, खा है, आपने इस फुल पेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपने खरगोश में कलर भी करना है। आपको पता है खरगोश में आप ब्राउन कलर भी कर सकते हैं और ब्लैक कलर साथ मर्ज भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 टॉपिक इस पेंसिल फेरें और रंग भरें। दाल पे, इस पेज पे जो लिखा है वो है दाल। दाल की आवाज़ है दा। दाल की आवाज़ क्या है? दा। ये देखें दा स्टार्ट, ये जो डॉट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से आपने अपनी पेंसिल को मूव करना है इस तरह से, डॉट टू डॉट, इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को इस डॉट से, इस तरह स्लो स्लो आपने इसको कंप्लीट करना है और एंडिंग पॉइंट तक। ओके, दाल, दा, दा दरख्त, दा दरख्त। दरख्त आपको पता है बच्चों कौन से कलर का होता है? दरख्त ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का। हम दरख्त में ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। दरख्त में आप ग्रीन कलर करेंगे। ये देखें, आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि जब भी बच्चा काम करे, चाहे वो ट्रेसिंग कर रहा है चाहे वो कलरिंग कर रहा है, आप अपने बच्चों को गाइड करें, ठीक है। कलर्स में भी और ट्रेसिंग में भी, कोई भी काम हो आप अपने बच्चे को गाइड करें उसमें। ओके, पेज नंबर 25 के बाद अब हम पेज नंबर 26 करेंगे। पेज नंबर 26 पे देखें, दाल, दा, दा। जैसा कि हमने पिछले पेज में दाल की प्रैक्टिस की है, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, बट इसमें फुल डॉटिंग नहीं है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो है, हमने इस एरो को फॉलो करते हुए अपने दाल, दा को कंप्लीट करना है। ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट से एरो को फॉलो करना है। ये देखें, इस एरो को इस एरो से मैच करना है। देन आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेस करके इस एरो से लास्ट एरो तक जाना है लाइक दिस। ओके, आपका ये दाल कंप्लीट हुआ। इसी तरह देखें यहाँ पे दाल, आपने इस एरो को इस एरो से मैच करना है, फिर आपने इस एरो से मैच करना है और एंडिंग पॉइंट तक आना है लाइक दिस। ओके, इसी तरह आपने, मैं आपको एक रॉन्ग करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने इस एरो को फॉलो करते हुए ऐसे कर दिया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट लिया, फिर थोड़ा सा बाहर निकाल दिया और लास्ट तक आ गए। नो, अगर आप इस तरह इसको ट्रेस करेंगे तो ये आपका काम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको वन मोर ट्रेस करके दिखाती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से आपने एरो को फॉलो करना है, आपने इस एरो को इस एरो से मैच करना है, इस एरो के ऊपर से ट्रेस करते हुए आपने इस एरो को इस एरो से मैच करना है और आपने एंडिंग पॉइंट तक आना है, ठीक है। इसी तरह आपने इस फुल पेज की प्रैक्टिस करनी है। दा दरख्त, दरख्त में आपने, जैसा कि आपको पता है ग्रीन कलर है, हरा रंग है, आपने दरख्त में हरा रंग करना है। देखिए ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, आपने इन फ्लावर्स में भी कलर करना है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ लाइक ये देखें, हम इनमें रेड कलर भी कर सकते हैं प्यारा सा। ये देखें, कलर करने से आपका पेज प्यारा लगेगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह आपने छोटे छोटे से फ्लावर्स में भी कलर करने हैं। ओके,
आज का काम हमारा कंप्लीट हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास पूरा हफ्ता है, आपने इस पूरे हफ्ते में अपने इन पेजेस की प्रैक्टिस करनी है और आपने अपने बुक को भी जो रीडिंग मैंने आज आपको करवाई है वो भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। होप सो आपने आज की वीडियो तवज्जो से सुनी है और समझी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।